दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में इक्लो एंड करीम के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी प्रॉब्लम काम आती है, किस तरह से काम करती है, साइड इफेक्ट क्या है, सावधानी क्या है, दिन में कितनी बार लगाई जाती है, जानेंगे सब कुछ। हो देखिएगा, देखिए इक्लो एंड करीम इस्कॉन कंपनी का प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी ज़्यादा इसको स्किन स्पेशलिस्ट और डर्मोटोलॉजिस्ट डॉक्टर लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोस्तों कई बार इस नाम से नहीं भी मिलती है तो अल्टरनेटिव ब्रांड भी काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कि आप नेडोक्सिन सी ले सकते हैं, डॉक्टर रेड्डी कंपनी आती है, एनसीपी करीम आती है दोस्तों, वो भी ले सकते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी आती है, मिल जाएगी। बात करें भाई कहाँ यूज जाती है, तो देखिए कई बार स्किन के ऊपर फोड़ा फुंसी हो जाता है, ठीक है, घाव हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा खुजली चलती है, घाव है, पपड़ी सी बन जाती है, तो इन सभी प्रॉब्लम में ये लगाई जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने वाले एलर्जी प्रॉब्लम में भी, बहुत ज़्यादा इचिंग चलने वाली प्रॉब्लम, लाल रहती है, इन सभी में चलती है। साथ ही साथ दोस्तों डर्मोटोलॉजिस्ट इसको फेशियल एक्नी प्रॉब्लम में भी देते हैं, कई बार फेस की स्किन के ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, बैक्टीरिया के कारण स्किन लाल रहती है, छोटी छोटी फुंसियाँ सी हो जाती है, तो वहाँ पर ये लगा सकते हैं। बात करें किस तरह से काम करती है, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं दो सोल्ट, पहला है नेडिफ्लोक्सासिन 1%, दूसरा है क्लोबिटासोल 500 माइक्रो मिलीग्राम MCG, ठीक है, मिलीग्राम नहीं है, MCG माइक्रो मिलीग्राम। तो नेडिफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को खत्म करता है, बैक्टीरिया क्लियर है, क्लोबिटासोल एस्टेरॉइड है, कोर्टिकोस्टेरॉइड की श्रेणी में आता है, ठीक है। साथ ही साथ नेडिफ्लोक्सासिन को हेल्प करता है बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, साथ ही साथ उन केमिकल मशीनरी को ब्लॉक करता है जिन केमिकल मशीनरी के कारण एलर्जी बनती है, ज़्यादा फैलती है, और दोस्तों इचिंग को भी कम करता है, सूजन को भी कम करता है। बात करें भाई किस तरह लगाएं, दिन में कितनी बार लगाएं, तो आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं, सुबह शाम, हल्के हाथों से स्किन को रगड़ना नहीं है, लगाने के बाद आपको 3-4 घंटे तक लगाए रखना है, उसके बाद आप चेहरे को या किसी अन्य पार्ट को साफ कर सकते हैं, धो सकते हैं, लेकिन 3-4 घंटे तक लगी रहनी चाहिए। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि इचिंग बहुत ज़्यादा चलने लगे, इसकी लाल हो जाए, फोड़ा फुंसी ज़्यादा हो जाए, या जलन हो, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांस में ही होते हैं, घबराने की बात नहीं है। सावधानी बस ये कि डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, प्रेगनेंसी ब्रेस्टफीडिंग में भी डॉक्टर की सलाह से ही लीजिएगा, बच्चे के लिए अच्छा रहता है, हो सकता है लगाने के बाद बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी हो जाए, कई बार एलर्जी भी हो जाती है, तो इसको तुरंत यूज करना बंद कर दीजिएगा, डॉक्टर को जरूर बताइएगा। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स बताइएगा, कुछ भी समझिए लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पर आने के लिए, वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।